नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, कल आ सकता है 64वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट। दरभंगा एयरपोर्ट से अब इंडिगो एयरलाइंस भी भरेगी उड़ान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पटना हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं जमानत याचिका। देश भर में 58 दिनों बाद कोरोना के सबसे कम केस हुए दर्ज। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। आज के दिन को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे मकसद यह है कि लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए, जिनसे हमारी जीवन का अस्तित्व इस धरती पर है। पेड़ पौधे के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। सांस लेने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि खान पान, रहन सहन आदि से जुड़ी सभी चीजें इनके बिना संभव नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण आज हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इससे आने वाले समय में इंसान के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में हम पेड़ पौधे लगाकर और पर्यावरण को सुरक्षित करके ही अपनी धरती को अपने भविष्य के लोगों के लिए बचा सकते हैं। आप अपने रोज की आदतों में सुधार लाकर भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से परहेज करें, पानी की अनावश्यक बर्बादी को रोकें, अपने घरों या आसपास में पौधे लगाएं और उनका देखभाल करें, पास की दूरी में निजी वाहनों का प्रयोग कम करें, इसके जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, धूम्रपान ना करें। ऐसे में इन छोटी आदतों को अपनाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। उद्योग मंत्री ने बिहार में 10,000 करोड़ से अधिक निवेश लाने का किया दावा। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार पूरा बल दे रही है। इस क्रम में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जून के अंत तक बिहार में 10,000 करोड़ से अधिक निवेश लाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मौजूदा एनडीए सरकार के गठन के बाद से अब तक बिहार में उद्योग लगाने के लिए 6,199 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इसके तहत इथेनॉल उत्पादन, ऑक्सीजन उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक और रबर जैसे विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग सभी जिलों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके तहत मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिलों में सबसे अधिक हजार करोड़ का निवेश मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति और ऑक्सीजन उत्पादन नीति को लेकर बाहरी निवेशकों का रुझान बिहार की ओर बढ़ा है और देश की नामी कंपनियों ने बिहार में निवेश की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में बिहार के उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता है और बड़ी संख्या में इससे रोजगार का भी निर्माण होगा। सूबे में अगले 48 घंटे रहेगा पछुआ हवा का प्रभाव। विगत कई दिनों से आंधी बारिश और नमी सा मौसम रहने के बाद अब बिहार में फिर से पछुआ हवा का असर बन गया है। अगले 48 घंटे तक पछुआ हवा बहेगी और इस दौरान हवा में नमी की मात्रा 50-80% के बीच बनी रहने वाली है। हालांकि पिछले 24 घंटे में औसतन 2 डिग्री तापमान का भी इजाफा हुआ है। वहीं आने वाले 2 दिनों में राज्य भर में गर्मी सताने वाली है। फिलहाल मानसून से पहले उससे कोई खास राहत मिलने का आसार नहीं दिख रहा है। IMD पटना के मुताबिक अगले 1-2 दिन में अधिक गर्मी की से कुछ एक जगहों पर स्थानीय तौर पर बादल बन सकते हैं। इस दौरान बूंदाबूंदी होने की काफी कम संभावना है। पटना में पर्यटन विभाग के खाते से लाखों की ठगी करने का मामला आया सामने। राज्य में ठगबाजों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब ठगों ने सरकारी विभाग को भी अपनी जालसाजी का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामले में पर्यटन विभाग के खाते से लाखों रुपए की निकासी की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पटना के बोरिंग रोड में स्थित पर्यटन विभाग के बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से ठगों ने 9.80 लाख रुपए निकाल लिए। वहीं इस मामले में विभागीय कर्मियों की संलिप्तता की भी बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक वारदात को 1 जून को ही अंजाम दिया गया था। जांच में बात सामने आई कि अधिक राशि का चेक क्लियर होने के लिए आने पर बैंक अधिकारी ग्राहकों से फोन कर जानकारी लेते हैं। चेक क्लियर होने से पहले बैंक की तरफ से पर्यटन विभाग के संबंधित व्यक्ति को फोन किया गया था। इस कारण पुलिस विभाग के कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने SK पुरी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब इंडिगो एयरलाइंस भी भरेगी उड़ान। बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे में स्पाइस जेट के बाद अब देश की सबसे बड़ी यात्री एयरलाइंस इंडिगो की सेवा शुरू होने वाली है। इससे न सिर्फ दरभंगा बल्कि उससे जुड़े उत्तर बिहार के करीब 17 जिलों के लोगों को राहत मिलेगी। इसके तहत कंपनी की ओर से बुकिंग भी आरम्भ कर दी गई है और 5 जुलाई को दरभंगा से हैदराबाद के लिए इंडिगो की पहली उड़ान भरी जाएगी। इससे उन यात्रियों को फायदा होगा जो नियमित रूप से हवाई सेवा का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अब कम कीमत में यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बताते चले कि काफी समय से इंडिगो प्रबंधन की ओर से यहां हवाई सेवा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा था, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण इसकी अनुमति नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार अनुमति मिलने के बाद अब 5 जुलाई को सुबह 10:15 पर विमान हैदराबाद से उड़कर 12:15 बजे यहां दरभंगा लैंड करेगी। इसकी बुकिंग 4,137 रुपए में हो रही है। इसके बाद यही विमान दोपहर बाद 12:45 पर दरभंगा से उड़ान भरकर 2:45 पर हैदराबाद में लैंड करेगी, जिसके लिए बुकिंग के लिए 4,005 रुपए देने होंगे। फिलहाल एक ही फ्लाइट शुरू किए जाएंगे।
शिक्षक बनने के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी अब 11 जून से कर सकेंगे आवेदन। राज्य में 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके तहत हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। इसके तहत दिव्यांग अभ्यर्थी 11 जून से 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इसके पहले 9 जून तक दिव्यांगों के लिए आरक्षित नियोजन इकाईवार, कोटिवार एवं विषयवार रिक्तियां जिलों के NIC की वेबसाइट पर जारी होंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए अलग अलग 2 शेड्यूल जारी किया है। एक शेड्यूल प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन को लेकर है तो दूसरा शेड्यूल माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन को लेकर है। वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं करना है जो पहले ही आवेदन दे चुके हैं। यदि पूर्व में आवेदन दे चुके अभ्यर्थी दोबारा आवेदन करेंगे तो उस पर विचार नहीं होगा। राज्य में अब पावर कट की समस्या से लोग नहीं होंगे परेशान। बिहार में अब बिजली का रिंग यूनिट बनाने की दिशा में तैयारी हो रही है। इसके तहत अब लोगों को पावर कट जैसे समस्या से निजात मिल जाएगा। इसके तहत प्रत्येक सब स्टेशन में ऐसी व्यवस्था होगी कि अगर एक ब्रेक डाउन कट जाएगा तो दूसरे से बिजली मिलने लगेगी। इसके लिए विभाग ने पटना सहित पूरे राज्य में ऐसी व्यवस्था करने का खाका तैयार कर लिया है। सरकार की सहमति और राशि की मंजूरी मिलते ही इसके निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। दरअसल ट्रांसमिशन लाइन में ब्रेक डाउन होने पर फिर ग्रिड बंद करने की नौबत आ जाती है और ना चाहते हुए भी कम बिजली देनी पड़ जाती थी, इसलिए बिजली कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइन का विकल्प बनाने का निर्णय लिया है। इस विकल्प में यह होगा कि अगर किसी सब स्टेशन में 30 किलोवाट के तार में गड़बड़ी आ गई तो दूसरे स्रोत से कुछ ही मिनटों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इस तरह पूरे राज्य में एक सब स्टेशन दूसरे से जुड़े होंगे। अभी राजधानी पटना में कुछ VVIP इलाके में फिलहाल यह यूनिट काम कर रहा है, मगर जल्द ही VVIP लोगों को मिलने वाली यह सुविधा आम लोगों को रिंग मेन यूनिट के माध्यम से मिल जाएगी। CBSE स्कूलों में अब कोडिंग और डाटा कोर्स की होगी पढ़ाई। CBSE ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में अब 50% बच्चों को वोकेशनल कोर्स को अनिवार्य कर दिया है। पहले स्कूलों को यह स्वतंत्रता थी कि वे अपनी सुविधा के अनुसार वोकेशनल कोर्स चला सकते थे, लेकिन अब 2025 तक सभी स्कूलों को यह लागू करना होगा। इसके तहत इस साल CBSE द्वारा 2 नए वोकेशनल कोर्स कोडिंग एवं डाटा की पढ़ाई की शुरुआत की जा रही है। दुनिया भर में कोडिंग की मांग को देखकर यह फैसला CBSE ने लिया है। इससे बच्चों में रोजगार की क्षमता शुरू से ही विकसित होगी। देश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने में भी इससे मदद मिलेगी। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष AK नाग का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्स को पढ़ाया जा रहा है। क्लास 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 9 वोकेशनल कोर्स तैयार किए गए हैं। वहीं 9वीं एवं 10वीं के बच्चों के लिए 18 वोकेशनल कोर्स तैयार किए गए हैं, जबकि 11वीं एवं 12वीं बच्चों के लिए 38 वोकेशनल कोर्स तैयार किए गए हैं। कल आ सकती है 64वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट। BPSC की ओर से 64वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम को कल तक घोषित करने की कवायद की जा रही है। सब कुछ सही रहने पर आज देर रात या फिर रविवार को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके तहत 1460 पदों के रिजल्ट की घोषणा की जानी है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर अनुमंडल अधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित एक दर्जन विभागों में अधिकारियों के पद शामिल है। बता दें कि इसका विज्ञापन साल 2017 में ही आया था, जिसके बाद परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इस साल के फरवरी में इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन इंटरव्यू में शामिल कई अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर शिकायत मिलने के बाद BPSC ने उनका मेडिकल कराया था। वहीं आयोग ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए रिजल्ट जारी करने में देरी होने की बात कही है। अब आयोग की ओर से परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी व सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देने को लेकर बिहार सरकार के फॉर्मूले को गलत बताया है। इसके तहत चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा SC ST के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत केवल 17% पदों पर प्रोन्नति देने की साजिश रची जा रही है। चिराग ने पत्र में लिखा है कि SC ST के कर्मी सामान्यता वरीयता सूची में सबसे नीचे होते हैं। वैसी स्थिति में 83% पदों पर प्रोन्नति दिए जाने के नाम पर सभी पदों को भर दिया जाएगा, जिससे SC ST के कर्मी पदोन्नति से वंचित रह जाएंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, मगर इस बीच साजिश के तहत 17% सीट को कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में रिजर्व रखकर 83% पदों पर मूल कोटी की वरीयता के अनुसार पदोन्नति शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। चिराग ने अनुरोध किया है कि SC ST को संविधान के प्रावधान के तहत निर्धारित प्रोन्नति में आरक्षण देते हुए प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू करे।
लालू यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार पर बोला हमला। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ा स्थान मिलने के बाद से ही सूबे में विपक्ष हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने इस रिपोर्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। इसे लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि जदयू भाजपा के 16 वर्षों के अथक प्रयास और नकारात्मक राजनीति का प्रतिफल है कि बिहार नीचे से शीर्ष पर है। उन्होंने कहा कि कथित जंगलराज का डोना रोने वाले पूर्वाग्रह से ग्रस्त जीव आजकल जुबान पर ताला जड़ बिलों में छुपे हुए हैं। बिहार का सत्यानाश हो जाए लेकिन उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय गवारा नहीं। वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके द्वारा बनाए गए हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करा, भूत बंगला तो स्कूलों को गैराज बना दिया है। इसे का नतीजा है कि इन्हीं का नीति आयोग बिहार को नीचे से टॉप करा रहा है। लालू ने नीतीश कुमार की सरकार को बिहार के लिए ट्रबल इंजन की सरकार बताया। मॉरिसस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर सीएम ने जताया शोक। मॉरिसस के पूर्व राष्ट्रपति व पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। स्वर्गीय जगन्नाथ भारतीय मूल के थे लेकिन उन्होंने मॉरिसस में सर्वोच्च पदों को ग्रहण कर भारत का मान बढ़ाया था। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि वे भारतीय मूल के स्वर्गीय जगन्नाथ की आधुनिक मॉरिसस में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। संघर्ष का सफर तय करते हुए वे मॉरिसस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे थे। उनका जाना अत्यंत दुखद है। वहीं सीएम ने यह भी बताया कि साल 2010 में उन्होंने बिहार की यात्रा भी की थी। उन्होंने कहा कि 2007 में मॉरिशस यात्रा के दौरान उनसे काफ़ी आत्मीय मुलाकात रही थी। वे जब 2010 में बिहार आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पल साझा किए थे। उनका निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। मुख्यमंत्री ने उनकी आत्मा की चिर शांति एवं उनके परिजनों और प्रशंसकों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पटना हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं जमानत याचिका। 32 साल पुराने केस में सजा पाए जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव का अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने का रास्ता साफ हो गया है। अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई सीधे हाईकोर्ट से होगी। दरअसल पटना हाईकोर्ट में इन दिनों गर्मी की छुट्टी चलने के कारण हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने पर रोक लगी हुई है। लेकिन पप्पू यादव के मामले को अति महत्वपूर्ण मामला बताते हुए उनकी पत्नी पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने अदालत से आग्रह किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है। ऐसे में पहले उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में बेल की ई फाइलिंग कराए जाने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हो जाएगी। इससे पहले हाईकोर्ट में पप्पू यादव ने सुनवाई का आग्रह किया था लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। वहीं बाद में मधेपुरा सेशन कोर्ट में भी उन्हें नियम शर्तों का हवाला देते हुए जमानत देने से मना कर दिया गया था। हालांकि अब पप्पू यादव और उनके समर्थकों को थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि बीमार होने के कारण फिलहाल दरभंगा के डीएमसीएच में बीमार पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। दिनेश कार्तिक ने गिलक्रिस्ट और सहवाग से की पंत की तुलना। विकेटकीपर दिनेश कार्तिक भले ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं मगर जल्द ही एक नए रोल में वे नजर आने वाले हैं। कार्तिक 18 जून को होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कमेंट्री करेंगे। वहीं इस क्रम में दिनेश कार्तिक ने टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में पंत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सहवाग और गिलक्रिस्ट विरोधी टीमों पर दबाव बनाया करते थे ठीक वैसा ही ऋषभ पंत कर रहे हैं। पंत की वजह से टीम में लचीलापन आ गया है। उनकी वजह से टीम एक अतिरिक्त गेंदबाज या बल्लेबाज खिला सकती है। सबसे बात यह है कि वो विरोधियों के दिमाग में खौफ पैदा कर देते हैं जैसा कि गिलक्रिस्ट और वीरेंद्र सहवाग करते थे। देश भर में 58 दिनों बाद कोरोना के सबसे कम केस हुए दर्ज। देश भर में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है और 1.5 लाख से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,20,529 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 3,380 मरीजों की जांच ली गई। वहीं इस दौरान 1,97,894 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस 15,55,248 हो गए हैं। वह अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में 991 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 2,090 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,308 हो चुकी है। वह अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं जो कि बढ़कर 97.80% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आप पर्यावरण को बचाने की दिशा में अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।